हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमैक्स टीवी। सो ये एनिमे जो है ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है और रिसेंटली इसका न्यू एपिसोड रिलीज़ हुआ है। तो जिन लोगों ने भी इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं और इतने टाइम में अगर भूल चुके हो तुम इसकी स्टोरी, देन जाके इसके पहले के एपिसोड देख लेना। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम लोगों को और उसके बाद कंटिन्यू कर लेना। तो इस एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं इस एनिमे का एपिसोड नंबर 7। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिन बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में सिराइशी बोल रहा होता है, थर्ड सेमेस्टर आने वाला है और एक चीज़ हुई जिससे मुझे खुशी हुई, मैंने अपने फाइनल्स पास कर लिए और मेरे वीडियो गेम्स भी बच गए। बाहर बारिश हो रही है और मेरा माइंड क्लियर है। तभी पीछे से कुबो आके कहती है, शिराइशी क्या कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? और शिराइशी इसे थैंक्स बोलता है पढ़ाने के लिए, जिससे ये पास हो जाता है। कुबो कहती है, चलो फिर दोबारा कभी साथ में पढ़ते हैं। शिराइशी कहता है, हमारी क्लासेस चेंज होने वाली है। कुबो बोलती, हाँ जब न्यू स्कूल ईयर स्टार्ट होता है तो क्लासेस चेंज होती हैं। और सिराइशी मन में बोल रहा होता है, जल्दी कुबो का मुझे ढूंढ लेना बंद होने वाला है। अब छुट्टी के टाइम कुबो के पास अम्ब्रेला होता है लेकिन सिराइशी के पास नहीं होता, तो कुबो इसे एक एक्सपेरिमेंट करने को कहती है कि चलो देखते हैं, अगर हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे चले तो क्या लोग तुम्हें नोटिस करेंगे या नहीं? सिराइशी कहता है, वो ज़रूर कर लेंगे। तो कुबो कहती है, चलो फिर ट्राई करते हैं। लेकिन शिराइशी एक साथ जाने से मना कर देता है, तो कुबो इसे अपना अम्ब्रेला देके जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से शिराइशी आ जाता है इसके पास और साथ में जाने लगते हैं अब ये दोनों। शिराइशी मन में सोच रहा होता है, क्या हम एक कपल की तरह शेयर कर रहे हैं अम्ब्रेला? तभी कुबो कहते, क्या हुआ? और शिराइशी फिर और ज़्यादा सोचने लगता है कि मैंने नोटिस नहीं करा कि हम एक कपल जैसे शेयर कर रहे हैं अम्ब्रेला, हमें खाली रोड से जाना चाहिए ताकि लोग हमें नोटिस ना करें। और कुबो को कहता है, क्या इस वाली रोड से चलें? कुबो कहती है, ठीक है। और सिराइशी खुश होता है कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो इन्हें कोई नोटिस भी नहीं करेगा। और कुबो बोल रही होती है, हमें तो कोई दिखा ही नहीं और घर भी आने वाला है, एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। और सिराइशी से बोलती है, हम पूरे रास्ते एक साथ आए तो क्या ये इंटेंशनल था? सिराइशी बोलता है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कुबो कहती है, हमें कभी और दोबारा एक साथ चलना चाहिए घर। और इन्हें जाते हुए अकीना भी देख लेती हैं और अब कुबो इसे इसके घर छोड़ के अपने घर चले जाती है। यहाँ अकीना इससे पूछती है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो, साकी फिर से घूमना चाहती हैं? कुबो कहती है, हाँ मैं फ्री हूँ। नेक्स्ट दिन में शीरा इसे साकी को बहुत सारे बैग्स ले जाते हुए देखता है और हेल्प करने को कहता है इसकी। लेकिन ये कहती है, अगर मैं इन्हें अकेले ले गई तो नागीचान बहुत खुश होगी और मेरी तारीफ करेंगी। शीरा इसे लेकिन इसे कहता है कि मैं उससे कहूँगा कि तुम ही लेके आई ये बैग्स। साकी कहती है, घर के पास पहुँचते ही ये बैग्स मैं ले लूँगी। और अब जाते वक्त साकी बताती है कि इसने मीट और पोटैटो स्ट्यू बनाना सीखा तो कुबो के लिए बनाना चाहती थी। और बोलती है कि नागी चान ने कहा था कि इंग्रेडिएंट्स बना लेगी लेकिन मुझे उनकी कुकिंग पर डाउट है तो मैं एक्स्ट्रा सामान ले आई। क्या लोग अक्सर साकी और मेरिन लेते हैं घर पर सिराइशी? और सिराइशी मन में सोचने लगता है कि मेरिन होता क्या है, और कुबो को टेक्स्ट करके पूछने लगता है। यहाँ कुबो साकी को लेके परेशान होती है क्योंकि उसे आने में लेट हो चुका होता है और ये उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी इसे सिराइशी का मैसेज आता है जिसमें पूछ रहा होता है कि क्या घर पे साकी और मेरिन है। साकी इसके बारे में पूछ रही है। कुबो इसे रिप्लाई करती है कि अकीना ने कहा कि है घर पे, और सिराइशी साकी को बता देता है। तभी साकी इससे पूछती है कि तुम और नागीचान कितने क्लोज हो एक दूसरे के, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? सिराइशी कहता है, नहीं। साकी फिर पूछती है, क्या तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो? सिराइशी बोलता है, नहीं। साकी फिर पूछती है, क्या तुम फ्रेंड्स हो? सिराइशी बोलता है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं आई गेस। ये सुनकर ये खुश हो जाती है और बोलती है, मैं उन्हें नागी चान बुलाती हूँ और वो मुझे साकी, हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतने भी क्लोज नहीं कि उनका फर्स्ट नेम भी नहीं पता तुम्हें? सिराइशी कहता है, मुझे पता है। साकी बोलते, तो फिर बोलो।
देखा तुम नहीं बोल सकते। तभी यहाँ पर कुबो आ जाती है और सिराइशी मन में कहता है बच गया। तभी साकी इससे बोलती है नागी चान लगता है सिराइशी को तुम्हारा फर्स्ट नेम नहीं पता। ये सुन के कुबो कहती है मैं भी यही सोच रही थी कि इसे पता नहीं होगा। सिराइशी बोलता है मुझे पता है। कुबो फिर कहती है पता है तो बोलो। और सिराइशी बोलता है कुबो कहते जोर से बोलो सुनाई नहीं दे रहा। सिराइशी फिर थोड़ा जोर से बोलता है नाकिसा राइट। और कुबो खुश हो जाती है और साकी से कहती है क्या तुम्हें सिराइशी का फर्स्ट नेम पता है? इसका फर्स्ट नेम है जूनता। और फिर सिराइशी को बैग्स कैरी करने के लिए थैंक्स बोल के चले जाती है। जाते वक्त साकी मन में बोल रही होती है उसने कहा कि ये सिर्फ क्लासमेट्स हैं। सिराइशी झूठा है। अब पोलन सीजन आ चुका होता है और सिराइशी क्लास में छींकता है। सब इसे नोटिस कर लेते हैं। ये मन में कहता है मैं लोगों को सरप्राइज कर देता हूँ और उन्हें ज़्यादा विजिबल होने लगा हूँ। अब क्लास के बीच में सिराइशी बोर होने लगता है और पेन को खोल के उसकी स्प्रिंग के साथ खेलने लगता है। तब ये नीचे गिर जाती है और सिराइशी जब इसे ढूंढने लगता है कुबो को देखता है सामने। ये इसे घूर के देख रही होती है। ये मन में कहता है ये मुझे कब से देख रही होगी। ये बोलती है जब से तुम पेन को खोल रहे थे। सिराइशी कहता है इसने तो मेरा दिमाग भी पढ़ लिया। कुबो अब पूछती है तुमने पेन क्यों खोला? सिराइशी कहता है कि मैं थोड़ा क्यूरियस था। इसके पेन की स्प्रिंग खो चुकी होती है और तभी टीचर सभी को रेड पेन बाहर निकालने को कहता है लेकिन सिराइशी के पास तो होता ही नहीं है। तो कुबो कहती है क्या तुम्हें मेरा चाहिए? सिराइशी कहता है क्या तुम श्योर हो? कुबो कहती है हाँ वैसे भी इसकी इंक ख़त्म होने वाली है और मेरे पास एक नया पेन भी है। सिराइशी जैसे इसका पेन लेता है ये देख के मन में कहता है ये तो बहुत ही क्यूट है। कुबो कहती है तुम यही सोच रहे हो ना कि ये तुम्हारे लिए बहुत क्यूट है लेकिन तुम्हारा रेड पेन टूट गया है तो तुम्हें यह यूज़ करना पड़ेगा। और कुबो अपना नया पेन निकालती है और फिर कहती है अब हमारा मैचिंग पेन हो गया। अब क्लास ख़त्म होने के बाद कुबो इसे पेन की रिफिल भी दे देती है और कहती है जब ख़त्म हो जाए इसे फिर से यूज़ कर लेना। सिराइशी कहता है तो तुमने नया पेन क्यों खरीदा फिर? कुबो कहती है मुझे ख़रीदने के बाद पता चला कि रिफ़िल भी आती है इसकी। अब इनकी क्लास चेंज होने से पहले ये आखिरी दिन होता है सबका साथ में। और रात में कुबो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और यहाँ टामा कुबो से पूछते कि फाइनल्स कैसा रहा। कुबो कहती है अच्छा और तुम्हारा? ये कहती है अगर सच बोलूँ तो मैं एक में फेल हो गई। हाजुकी कहती है तुम इतना प्राउड फील क्यों कर रही हो इस बात पे? टामा कहती है ये मेरा न्यू रिकॉर्ड है। और कुबो फिर बताती है कि टामा अब कम एग्ज़ाम में फेल होने लग गया धीरे धीरे। और टामा कहती है ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी में भी फेल नहीं होंगी फिर। और हाजुकी फिर कहती है गुड जॉब। और अब ये सभी साथ में स्नैक्स खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और देखते ही देखते 12 बज जाते हैं रात के। तो फिर ये सोने की तैयारी करने लगते हैं और तभी ये सोच के कि इनकी क्लासेस जल्दी चेंज हो जाएगी टामा इमोशनल हो जाती है और इन दोनों के ऊपर ही कूद जाती है। फिर कहती है लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स डे और कल्चरल एक्टिविटी और बॉल गेम टूर्नामेंट भी और कैंपिंग ट्रिप और फील्ड ट्रिप भी है मैं वो सब एक साथ करना चाहती हूँ। कुबो कहती है हाँ ये सब एक साथ करने में मज़ा आता। टामा कहती है तुम सिराइशी को भी इसमें इंक्लूड कर रही हो ना? तुम उसे सेम क्लास में चाहती हो ना? कुबो कहती है ये मैटर नहीं करता हम साथ हो या नहीं। और फिर इन दोनों का चेहरा देख कर ये कहती है मैं सो रही हूँ। टामा कहती है मैं आज तो मैं सोने नहीं दूंगी। लेकिन कुछ टाइम बाद खुद ही सबसे पहले सो जाती है और इसके बाद ये दोनों भी सो जाते हैं। फिर कुबो कहती है हे हाजुकी मैं सेकंड आई फाइनल्स में। हाजुकी कहती है क्या तुम ये चाहती थी कि मैं तुम्हें भी शाबाशी दूँ? कुबो कहती है सच कहूँ तो हाँ। और हाजुकी बोलती है तुमने बहुत बढ़िया किया। और फिर ये गुड नाइट कह के सो जाते हैं और तभी टामा की आँख खुल जाती है और फिर ये इनके पास आके इन्हें हक कर लेती है। फिर कहती है आई होप हम सब सेम क्लास में ही हों। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।